एक पिंड के खूह के बंदर डिग पिया ते ओदे कोल निकलिया ना जावे। जदों पिंड दीआं बीबीआं पानी भरन जाण ओह बंदर ना डोल दी लज खोल दिंदा सी जाने कि रस्सी ते उन्हां नूं लगा कि इस खूह के कोई प्रेत आ गया जिहड़े साडा जिहड़ा डोल हैगा ना उहनूं खोल दिंदा। उन्होंने बथेरा रौला रप्पा पाया आले दुआले होर सियाने बंदे भी आए पर वो प्रेत का कोई इलाज नहीं होया। तो फिर उन्होंने कोई सियाना बंदा बुलाया बाबा नाल दे पिंडों आया हुण उहदे कोल है ना कुछ है नहीं सी उन्हें अपने चार पैसे कमाए तो महीना खंड उन्होंने रुटियां रुटियां खाधिया पिंड वालों तो पर प्रेत किसी के बस च नहीं आया। तो एक दिन कोई सूझवान बंदा मिलया तो उन्हें पिंड वाले ने कहा कि मैं इस प्रेत को कढ़ तो सकता पर मेरी एक शर्त है। पिंड वाले ने कहा दसो की शर्त है। उन्हें कहा कि मेरा भरा जो मेरे नाल कई साल तो बोल नहीं गया उन्होंने बुलाओ तो वह मेरे नाल हेल्प करे तो मैं जाके प्रेत को कढ़ूंगा। ठीक है जी पिंड वाले ने जाके भरा की मेहनत की भरा भी चलो ना नुकर करता करता जाके मन गया भी मैं चलो हेल्प कर दूंगा भी सारे पिंड का भला। तो जो बंदा खूह च उतरन लगा वो रस्सी सारे जने ने फड़ी तो नाल उहदे भरा ने भी फड़ी जिहड़ा उन्हें बोलता नहीं सी। तो जिदा ही उन्हें थले पहुंचा तो थले उन्हें बंदर मिलया। बंदर ने देखा मैंने कोई जरिया मिल गया उन्हें वो मोढ़िया से रखा अपना पैर वो सिर पर रखा तो छाल मार के बाहर आ गया। पिंड वाले लग्या कि ले भी प्रेत बाहर आ गया सारे जने रस्सी छड़ के नट गए पर वो भरा ने रस्सी नहीं छड़ी। क्यों? क्योंकि ओदा अपना खून सी। क्योंकि कहिंदे ने ना भज्जियां बाहां गल नूं आउंदियां भरा ने भरा दा साथ नहीं छड़िया। दोस्तों इस कहानी तों सानूं इही शिक्षा मिलदी है कि अपणियां तों कदी दूर ना होवो। थोड़ा बहुत मन मुटा हो भी जावे ना तो कोशिश करो कि उस मन मुटा नूं उस टुटे हुए रिश्ते नूं जोड़न दी।